नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में VP कौशल, कुल सचिव एवं प्रोफेसर प्रेमचंद यादव, प्राचार्य DAV PG कॉलेज रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा समूह गीत एवं समूह नृत्य, एकल गीत एवं एकल नृत्य, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की, जिसके माध्यम से समाज में प्रत्येक को अपने मतदान के लिए जागरूक होने का संदेश दिया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति ने उपस्थित सभी युवाओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई एवं 100% मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने बच्चों के प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा करते हुए उन्हें वो जलता हुआ दीपक बताया, जो समाज की हर राह को रोशन करेगा। लोकतंत्र में मतदान के महत्व को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की जान और पहचान, और सभी को इसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हम अपने लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बना सकते हैं। सम्मेलन में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद श्रीवास्तव, अजय कुमार मिश्रा, प्रांशु सिंह ने अपने विचार रखे। जिला युवा अधिकारी सजीव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अतिथियों का स्वागत किया एवं सभी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट की। अजय कुमार मिश्र ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया है। जब आप अच्छे प्रत्याशी को मतदान करें, अच्छे प्रत्याशी को चुन करके सरकार बनाने के लिए भेजें, ये अच्छा प्रत्याशी कौन हो सकता है? ये सब आप पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, सब पहचानते हैं। सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने अन्य क्रियाकलापों के रूप में सब में वो प्रत्याशी खरा उतरना चाहिए, जो अपने मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा रहे। चुनने के बाद, चुनने से पहले रोजाना आपसे मिले, पैर भी छुए और